ये उन दिनों की बात है कि मेरी नौकरी छूट छूट क्या गई थी छोड़ दी थी मैंने अमर उजाला से और मैंने क्या किया था कि किसी बात पे नाराज़ हो कि अपना इस्तीफ़ा खबर की जगह सभी केंद्र फैक्स कर दिया था तो अब उसको वापस भी नहीं लिया जा सकता था क्योंकि वो सबके पास पहुंच गया था एनीवे anyway, तो उन्हीं दिनों एक पैरल प्रेस क्लब शुरू किया मैंने लखनऊ में पानी अखबार के सामने एक पेड़ था घना सा कोई विदेशी पेड़ था नाम मुझे याद नहीं उसके नीचे एक पिंडी रखी हुई थी तो एक रात उस पर मदिरा से उसका अभिषेक करके उसका नाम मदिरेश्वर महादेव रखा गया और वहाँ हम लोगों ने बैठ करके के पीना शुरू किया लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ कि पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग आके वहाँ इकट्ठे होने लगे जैसे उसमें कुछ नगर निगम के ठेकेदार थे भिगमंगे थे दस बीस रुपए वाली कालगल्ले थी दो रिक्शा चलाने वाले थे एक पागल थे जो नॉर्दर्न इंडिया पत्रका में पत्रकार रह चुके थे अजय कुमार और कई पत्रकार जो दफ्तरों से छूट के लौटते समय वहाँ रुक जाते थे थोड़ी देर लेकिन अब इतने सारे लोगों के लिए दारू कहाँ से आए एक बड़ा संकट था चूँकि मैं उसका व्यवस्थापक था मैं चाहता था कि यह क्लब चले तो मैंने बिल्कुल एक कम्युनिस्ट टाइमर की तरह तीस लोगों की लिस्ट बनाई तीस दोस्तों की और उनसे मैंने मनुहार की कि भाई साहब अगर रोज़ एक बोतल शराब आप दे दें मुझे इस बेरोज़गार आदमी को तो बड़ा शुक्रगुजार रहेंगे और आप भी महीने में एक आध दिन आ सकते हैं और उनसे मैं तगादा करके ले लेता था और इन तीस में से अक्सर बीस बाईस दे देते दे थे सात आठ थे जो दाँव दे जाते थे उसी में एक थिएटर की बड़ी पर्सनैलिटी थे लखनऊ में सिद्धार्थ पकरासी पकरासी जी सीतापुर में एक्साइज के इंस्पेक्टर थे वो मिले उन्होंने कहा कि बेटा तुमको मैं शराब की कमी नहीं पड़ने दूंगा वो पाउच जो जब्त किए होते थे या पता नहीं कैसे सीतापुर से रोज़ एक ब्रीफ केस में पाउच भर के आठ दस बारह पाउच भर के आ जाते थे गिरते पड़ते लहराते हुए और फिर ये जो लोग आते थे ये भी कुछ न कुछ लेके आते थे कोई पौवा कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ तो एक चाय वाले से हम लोग भगवती के यहाँ से बाल्टी एक लेते थे उस बाल्टी में सब तरह की दारू मिला दी जाती थी पानी भर दिया जाता था मग्गे से उसको चला दिया जाता था अब यह हो जाता था हलाहल अब वो सबको उसी चाय के गिलास में बढ़ जाता था तो ये मजमा साल भर चला लेकिन ये मजमा चलाना बड़ा कठिन था क्योंकि मैं दिल से इसको चलाना चाहता था तो होता क्या था कि अक्सर लोग पी लेते थे हलाहल पीने के बाद बेकाबू हो जाते थे भैं मार पीट शुरू हो जाती थी झगड़ा शुरू हो जाता <laughs> अच्छा उसमें तरह तरह के लोग थे तो एक तरीका कई तरीके निकाले गए जैसे एक तरीका ये निकाला गया कि जो रानी नाम के कालगल हम लोगों के साथ रहती थी एक तरीका ये निकाला गया कि जैसे ही कोई चारबाग स्टेशन से आदमी आएगा सूटेड बूटेड आदमी रानी उसके पास जाएंगी और हम लोग देखेंगे मतलब ग्राहक पटाने का दृश्य तो जैसे कोई आया आदमी तो रानी उसके पास गई तो रानी बहुत फैशनबाज थी ना घाघरा पायल वायल पहने रहती थी तो छम 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 उसके चारों तरफ मरराना शुरू कर करती थी फिर तय तोड़ शुरू होता था अचानक रानी हम लोगों की तरफ़ देख के पूछती थी कि अब शुरू हो जाए तुम लोग कह देते हैं शुरू हो जाओ तो उसके बाद वो कहती थी कि साले दहजरा के नाती तुम्हारे माँ मतारी बहन नहीं है क्या तय तोड़ करता है सौदा करता है अरे भैया देखो हम लोग दौड़ के जाते थे फिर उसकी तोड़ाई करते थे वो आदमी सर पे पैर रख के भागता था फिर कुछ दिन बाद हुआ कि साला इससे भी बोर हो गए कि यार क्यों इनोसेंट लोगों को परेशान किया जाए तब वो क्या हुआ कि मैं बहुत गंभीर किस्म की गजलें वजलें लिख के कापी करके जेब में रखे रहता था फिर मोमबत्ती खरीदी जाती थी आठ आने की उसी पेड़ के नीचे क्षमा रखी जाती थी उसको कहा जाता था कि ना चूतियों शोर मत करो बहुत गंभीर चीज है इसको पढ़ो इस पर बात करते हैं लेकिन ये तरीका भी बहुत दिन नहीं चला फिर उसके बाद एक मैं बहुत सस्ते किस्म के कैसेट ना सरकाय खटिया जाड़ा लगे इस टाइप के कैसेट रखने लगा जेब में जब बहुत नशा हो जाता था तो वहीं बगल में बाबा की दुकान पे टेप रिकॉर्डर था बड़ा सा पुराना उसी को लगा दिया जाता था और झमाझम जाम नाचते थे हम लोग घंटा डेढ़ घंटा दू घंटा और कभी कभी तो सड़क रोक के बेंचे लगा के सड़क रोक दी जाती थी और बीच में झमाझम नाच होता और उन दिनों हम लोग पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते थे जैसे मुझे याद है कि एक बार रात में दारू नहीं मिल रही थी तो हम लोगों ने सब्बल से एक दुकान का शटर उठा करके तोड़ करके काम भर दारू निकाली फिर शटर बंद करके चले आए तो वो सिलसिला जो चला ना कि साल भर चला तो उन दिनों को सारे लोग जो ज़िंदा हैं उसमें से कई तो मर भी गए शराब की अतिरिक्त से मर भी गए कई बहुत मिस करते हैं उन दिनों को लेकिन मैं उन सब से एक सवाल पूछता हूँ कि ये बताओ सालों कि हम लोग उन रात में क्या खोजते थे उन रातों में क्या खोजते थे कभी कोई तीन बजे से पहले अपने घर नहीं जाता था और इनमें से कई ऐसे थे जिनको हम लोग उनके दरवाज़ों पर उनकी बीवियों के डर से ढकेल के भाग आते थे कि गाली न सुननी पड़े तो मैं सबसे अभी यही पूछता हूँ कि हम लोग उन रातों में क्या खोजते थे ये बात कोई नहीं बता पाता है जिसका मुझे बड़ा अफसोस है मैं जानना चाहता